सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू देसी गेमर्स। तो गाइज, आज का वीडियो एक स्टोरी टाइप का वीडियो होगा, क्योंकि गाइज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इस गेम प्ले में क्या हुआ। तो हम लोग गाइज डुओ रैंक मैच खेल रहे थे और पिक पे एक बंदा मिला। मेरे पास सिर्फ पिस्टल था M500 और ये टीम अप करने लगा गाइज। बट आपको पता है गाइज, मेरे सब्सक्राइबर जो है उसको मैं बोलता हूँ कि आप सो गए तो मैं टीम अप करूँगा, बट ये सोया नहीं तो मेरे को मजबूरन इसको मारना पड़ा। और इसका जो टीममेट था उसको नीचे पारस ने कंप्लीट कर दिया, तो ये बंदा खत्म हो गया। तो मेरे को पारस नीचे बुलाता है और बोलता है कि मेरे बाउंड्री में ड्रैगन अप है, आप ले लो। तो मैंने बोला कि भाई दे दे भाई ड्रैगन अप यार। ड्रैगन अप मिला और मैं ना लूं भाई, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो गाइस इसने मेरे को अपनी बाउंड्री से ड्रैगन अप दिया। और गाइस हम जा रहे थे नीचे सीमेंटेड की साइड जहाँ पर गोलीबारी चल रही थी, और सामने मिला मेरे को बंदा। तो मैंने इस बंदे को नॉक कर दिया, और नॉक करने के बाद उसका टीममेट भी गाइस भाग रहा था और मेरा एम नॉक वाले पे गया, उसको मैंने कंप्लीट फिनिश कर दिया। और उसका टीममेट गाइस आप देख सकते हो पेड़ के पीछे की साइड, वो कवर पे चला गया। तो मैं उसको कंप्लीट करने के लिए जा रहा था और वो बंदा सीमेंटेड की साइड भाग रहा है, मेरे को उसको मजबूरन मारना पड़ा। और गाइस एल सेट के सामने एक बंदा मेरे को मिला और मैंने सोचा कि उसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। और गाइस बट वहाँ पर आप मैप पे देख सकते हो कितने ज़्यादा बंदे, और मेरे को नॉक कर दिया। और पारस ने गाइस मेरे को आके रिवाइव कर दिया। मारना नॉक एक। और गाइस यहाँ पर ना एक फनी मूवमेंट होता है, मेरे को पीछे एक बंदा नॉक मिला और मैंने सोचा कि वो किल मैं हड़प लेता हूँ, बट उसको पारस ने नॉक किया था तो मेरे को किल नहीं मिला। और गाइस यहाँ पर मैंने एक मिनीगेट लगाने के बाद मैंने एलसीएफ पे बंदे को नॉक किया था, और मेरे को पता था कि वो बंदा बहुत ही लो होंगे, तो मैंने रश करने का फैसला लिया। तो अभी गाइस मैं क्या करता हूँ, अंदर जाके जो अंदर वाले बंदे उसको मारने की कोशिश करता हूँ। बट पारस ने एक किल कर दिया, दो किल पारस ने कर दिया, आप देख सकते हो। तो मेरे को लगा नीचे ऊपर बंदे नहीं होंगे, बट गाइस यहाँ पर दो बंदे थे और दोनों बंदे लिटरली एक एक गोली के थे। सो ये दो बंदे मेरे को फोकट में किल मिला इन दोनों का। तो गाइस पीक में खत्म करने के बाद हम क्लॉक टावर गए, फैक्ट्री, उसके बाद कोचिनो पे आ गए, और हमको बंदा कहीं नहीं मिला। और यहाँ पर आने के बाद गाइस हमको सीमेंटेड घर के ऊपर से कोई बंदा दिखा, बंदे ऊपर बंदे। तो गाइस सीमेंटेड घर के ऊपर जो बंदा था उसको पारस ने डैमेज दिया था और मैंने किल चुरा लिया, सच बोलूं तो मैंने एक ही गोली मारा और मर गया। बट ड्रैगन अप का एक गोली बहुत भयंकर होती है, आपको पता है। मैंने एक ही मारा, मर गया। सो गाइस ऊपर वाले बंदे को मैंने कंप्लीट फिनिश करने के बाद पारस बोलता है कि मोको को देखो, तो मैंने उसको नॉक कर दिया। और गाइस टायर से जंप करके जाके मैंने उसको कंप्लीट फिनिश कर दिया, और उसी के साथ साथ मेरा हो गया 8 किल। बट गाइस पोस्टिंग पे हमको और बंदे मिलने बाकी थे, अभी आप देखना गाइस हमको बंदे बैक टू बैक कितने मिलते हैं। सो गाइस इस बंदे को लूटने के बाद हमको पिक की साइड हमको एनिमी दिखता है, मैप पे मार्क आती है तो हम उसकी साइड जाते हैं। हाँ बंदे, तो मैं इसको ड्रैगन अप से डैमेज दे रहा हूँ, जिसको लिटरली पता ही नहीं कि कहाँ से पड़ रही है, क्योंकि ड्रैगन अप का डैमेज बहुत ज्यादा होता है। और वहाँ पर एक बंदा नॉक था और मैंने उसको कंप्लीट कर दिया, और मैंने सब बोलते किल किसी दूसरे का चुरा लिया। तो जो बंदा ग्लूवाल के पीछे था वो उसको कंप्लीट करने के लिए जा रहा था, बट गाइस मेरे पास ड्रैगन अप था, और ग्लूवाल तोड़ने में ड्रैगन अप से कितना मजा आता है आपको पता ही है। तो मैंने इसको भी गाइस ग्लूवाल तोड़ के पूरा फिनिश कर दिया। सो गाइस ये फिनिश नहीं हुआ बल्कि ये नॉक हुआ था, इसका मतलब वो दोनों बंदे अलग अलग टीम के थे। तो मैंने ये चीज पारस को बोला, ये दोनों अलग अलग टीम के थे, मैंने जिसको मारा और बंदे, ठीक है आसपास देखियो वहाँ ऊपर बंदे, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस इस मूवमेंट में आने के बाद पारस के साथ हो गया यहाँ पर हादसा, बहुत ही बढ़िया पारस। अरे 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 क्या हुआ, बंदा था इधर लूट रहा था। अबे यार क्या यार पारस। सो गाइस गेम में 17 बंदे अलाइव थे, और पारस को मारने वाला बंदा मेरे को मिल चुका था सामने, और मैंने इसको ड्रैगन अप से गाइस सीधा, मतलब बंदा घर के अंदर भागने की कोशिश कर रहा था, और मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया, क्योंकि अकेला बंदा शायद से सोलो बचा हुआ था। और गाइस आप देख सकते हो मेरा 11 किल्स हो चुका है, सोलो वर्सेस डुओ मैच है और 16 अलाइव है। तो गाइस मेरा एक टारगेट था कि शायद से मैं क्या इस गेम में 20 किल कर सकता हूँ। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करके, मतलब स्टोरी हिसाब से बता रहा हूँ, तो आई होप गाइस आपको अच्छा लग रहा होगा। मतलब गाइस आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। सो फैक्ट्री के साइड से कोई ड्रॉप लूटने के लिए आ रहा था, तो मैंने उसको साइलेंसर से मारा, बट उसको पता भी नहीं कि कहाँ से मारा उसको। तो पारस ने बोला उसको पूरा फिनिश कर दो वरना कोई दूसरा बंदा किल चोरी कर लेगा, तो मैंने इसको पूरा कंप्लीट फिनिश कर दिया। और गाइस यहाँ पर क्या होता है कि ना मेरे को बंदा मिलता नहीं है, तो मैं उधर जाता हूँ, बट पारस को बंदा दिख जाता है। पारस का आँख कितना तेज है पता ही नहीं। पीछे 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 पारस तेरा आँख, मतलब चील के आँख है तेरा, पता है पारस तेरे को सीआईडी में जाना था, पता तूने गलती की फ्री फायर खेल के। सो गाइस मेरा यहाँ पर 13 किल्स हो चुका था, और गाड़ी में कोई बंदा ड्रॉप लूटने के लिए आ रहा था, और मेरे पास गाइस ग्रेनेड 9 था। मैंने सोचा कि सारा का सारा नेट उधर ही फेंक देता हूँ, और गलती से मैंने एक लैंडमाइन वहाँ पर लगा दिया, बट कोई बात नहीं। और गाइस जैसे ही मैंने उसको नेट फेंकने लगा तो मेरे को दिखाई दिया ऊपर पहाड़ी के लेफ्ट में कोई बंदा, मतलब दो बंदे हैं वहाँ पर, तो मैंने उनको मारने का फैसला किया। गाइस वो बंदे, गाइस मेरे पास साइलेंसर है, उनको पता भी नहीं कि
कि मैंने उनको कहाँ से मारा, एक का नाम हंटर और दूसरे का नाम पारस था। मैंने पारस को मतलब मजाक उड़ाया कि पारस तेरा ही नाम का बंदा था। और नीचे जो बंदा गाड़ी में आया था ड्रॉप लूटने के लिए, उसका मतलब लूटबॉक्स बन चुका था, शायद ने किसी और ने या फिर ये जो दो बंदे को मैंने मारा उन्होंने मार दिया था। सो गाइस गेम आप देख सकते हो कितना इंटेंस लेवल का हो चुका था, 15 किल हो चुका था मेरा और टावर के पास बंदा मेरे को दिख गया। और मैं अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास 22 ग्लू वाले। तो पारस बोला मारो मारो अभी चांस है मारो, तो बट बंदा टावर के अंदर घुस चुका था। बट बंदे ने खुद आके मेरे को अपना बॉडी दिखाया और एक बंदा जोन के बाहर से आ रहा था और उसको भी मैंने मारने का फैसला किया। बंदे ने मतलब डैमेज तो मेरे को तगड़ा दिया और मैंने ग्लूवाल डाल के मतलब खुद को पैक करके मेडिकेट लगाने का फैसला किया। गाइज इस मैच के बाद मैं ड्रैगन अप को मान गया कसम से। भाई 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 ड्रैगन अप क्या चल रहा है भाई। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो गाइज कि मेरा 17 किल हो चुका है और 3 बंदे अलाइव है, यानी कि मेरे को छोड़ के सिर्फ 2 बंदे यहाँ पर गेम में अलाइव है और मेरे को उन दोनों को मार के गेम को भूया लेना है, यानी कि 19 किल भूया मैं कर सकता हूँ। और सामने बंदा भी मेरे को दिख चुका था, तो मैं अभी क्या किया कि मैं ये गराज के अंदर सर्कल के अंदर जाके बंदे को मारने का फैसला कर रहा था। बट पारस ने बोला कि आप गराज के पीछे की साइड से घूम के जाओ तो आपको आराम से किल मिलेगा। तो मैं घूम के जाने का फैसला लिया गराज के पीछे की साइड से, जो कि कहीं ना कहीं मेरे को सेफ आइडिया लगा पारस की तरफ से। और गेम इतना अच्छा लेवल पे पहुंच चुका था कि मेरे को जैसे भी करके इस गेम में दोनों बंदे को मार के ना भूया लेना था। और आप में से बहुत सारे लोग मेरे को जानते हैं, जब मैं टीम अप करता हूँ बंदा सो गया तो मैं टीम अप करता हूँ, पैन तो सब हिलाते हैं, तो गाइस मेरे को ना वो बंदा टीम अप करने के लिए बैट हिलने लगा। नहीं भाई आज टीम अप कर, आज सभी को मारा है भाई, आज नो टीम अप। अगर बंदा सो जाता तो भी टीम अप करने का सोच लेते, बट अच्छा हुआ गाइस बंदे ने फायर किया तो मैंने सोचा कि भाई अभी परफेक्ट टाइम में मार देते हैं। तो गाइस वो बंदा ग्लूवाल के कवर में जाते जाते मतलब रह गया और उसको मैंने पूरा कंप्लीट फिनिश कर दिया। और अब हम बचे थे सिर्फ 2 बंदे, 1 vs 1, और मेरे को पता नहीं है कि लास्ट बंदा कहाँ पर है। सो मेरे पास ड्रैगन अप था गाइस, आप देख सकते हो ड्रैगन अप स्टार्टिंग से मैं खेल रहा हूँ लेके, और गेम में हो चुके थे मेरे 18 किल्स। और मैं गाइस पारस को बोल रहा था कि तू अच्छा हुआ मर गया, मेरे को इतना ज्यादा किल मिला और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को एक वीडियो मिल गया। और गाइस ऊपर बंदा दिखा था, और गाइस मैं ना क्या करता हूँ सामने जाके पोजीशन होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, और गाइस जो बंदा मरा ना उसने वहाँ पर लैंडमाइन फिट किया था और लैंडमाइन ने आप देख सकते हो मेरा वेस्ट तोड़ दिया, डैमेज दे दिया। बट ऊपर वाले बंदे के पास एडवांटेज है गाइस, वो ऊपर से आसानी से मेरे को हेडशॉट मार सकता है क्योंकि वो अंधाधुन मारेगा तब भी ऊपर से नीचे हेड ही दिखता है पहले, तो हेड पे लगने का डर था। और मेरे पास आप देख सकते हो गाइस 22 ग्लूवाल्स अभी भी था, तो मैंने ग्लूवाल लगा लगा के जोन में घुसने का फैसला किया। मतलब कि ग्लूवाल में मैंने कोई कंजूसी नहीं की इस बार, ग्लूवाल जितना हो सके उतना मैंने लगाया, आप देख सकते हो। मेरे को मतलब बहुत डर लग रहा था क्योंकि ऊपर से वो नेड़ फेंके जा रहा है, मैं डैमेज दे रहा है, और बंदे मतलब अच्छा बंदा था, इतना बुरा बंदा भी नहीं था। तो अब मेरे को जोन के अंदर में घुसना था गाइस, और मैं जोन के अंदर घुस चुका था यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आके गाइस बंदे ने थोड़ा डैमेज दिया था, तो मैंने यहाँ पर अपने आप को हील किया और अपने एचपी को फुल करने की कोशिश की, और जोन के अंदर मैं आ चुका था। और पारस बोल रहा था कि जोन नीचे आएगा, बट गाइस अभी मतलब जोन का कोई भरोसा नहीं है, जोन किधर जाके ख़त्म होगा। सो गाइस हम दोनों बंदे ही बचे हुए हैं, और ऊपर वाला बंदा फ्लैश बैंग फेंके जा रहा था, और मेरे को डर लग रहा था कि ऊपर से भाई नेट वेट फेंक के मतलब कुक नेट फेंक के परफेक्ट लगेगा तो मैं मर जाऊँ। तो मैंने ग्लू वॉल इतना ज़्यादा लगाया, आप देख सकते हो पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया, 3-3 वॉल। तो मेरे को अभी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था क्योंकि जोन अगर ऊपर जाएगा तो मेरे का मरना तय था मेरा। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी नहीं, अब पारस बोल रहा था कि नीचे ही रहो जोन नीचे आएगा, बट यार मेरे को रिस्क लगा तो मैंने ग्लू वॉल लगाने में कोई कंजूसी नहीं की गाइस। ग्लू वॉल का मतलब सीढ़ी बनाते गया मैं, और अपने आप को मतलब ग्लू वॉल के जरिए मतलब इस तरह से कवर करता गया। और गाइस फाइनली वो बंदे को जोन मतलब जोन डैमेज देने लगा और उसको नीचे आना पड़ा, तो उसी टाइम गाइस मैंने मौके का फायदा उठाया और उस बंदे को मर दिया। ओ भाई साहब क्या भूया हुआ भाई, मजा आ गया भाई। गाइस आई एम सॉरी, इसको मैंने मारना पड़ा, स्टार्टिंग में मैंने टीम अप को कैंसिल किया था। तो अगर आपको गाइस गेम प्ले बढ़िया लगा तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, जबरदस्त गेम प्ले भाई, मजा ही आ गया। कितने देखना 19 और 7 26 किल भाई, 15 लाइक ओपी।